वेलकम बैक स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 5th नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स ऑफ क्लास 4th. तो आज डिस्कस कर रहे हैं 5th चैप्टर नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, उनकी क्या हैबिट्स होती हैं बनाने में. बर्ड्स लिव इन नेस्ट, हमें पता है कि बर्ड्स क्या नेस्ट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट क्या करते हैं, खुद बनाते हैं. अब जो डिफरेंट तरह के बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अपना जो है नेस्ट बनाते हैं. नेस्ट किसे बोलते हैं, जैसे हम इंसानों को क्या है ज़रूरत है घर में रहने की, है ना, घर चाहिए हमें रहने के लिए, उसी तरह जो बर्ड्स के जो लिविंग प्लेस है उसको हम लोग बोलते हैं नेस्ट. बर्ड्स जो है यूज़ करते हैं ग्रास, फैदर्स, पेपर, कॉटन, वूल, ओल्ड क्लोथ्स, मड, लीव्स, ठीक है, अपना नेस्ट बनाने के लिए. इंडिया में जो है बर्ड्स मोस्टली क्या है फेब और मार्च के मंथ में नेस्ट बनाते हैं. दे ले देयर एग्स इन द नेस्ट, नेस्ट में क्या करते हैं अपने एग्स देते हैं. दे हैच देयर एग्स इन देयर नेस्ट, और उसी में जो अपने एग्स को हैच करते हैं. दे बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ प्लेसेस, वो कहाँ पे बनाएंगे, सेफ प्लेस पे बनाएंगे, क्यों, ताकि उन जो उनके एनिमी हैं वो उन तक रीच ना कर पाए, ठीक है, उन तक पहुँचे ना. दे मेक द नेस्ट रियली वार्म एंड कोजी फॉर देयर यंग वंस, और वो अपना जो नेस्ट है बहुत ही कम्फर्टेबल वार्म बनाते हैं अपने बच्चों के लिए. सो नाउ वी विल स्टडी कि कैसे बर्ड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं. फर्स्ट हम देख रहे हैं स्पैरोज एंड पिजन्स. स्पैरोज एंड पिजन्स जो हैं अपना नेस्ट कहाँ पे बनाते हैं, वेंटिलेटर्स में, ठीक है, वॉल्स की कॉर्नर में, ट्रीज में, और कोई भी सेफ प्लेस जो उनको मिलती. अब बुलबुल बिल्ड इट्स नेस्ट इन हेजेस, बशेज एंड ऑन दी ब्रांचेज ऑफ ट्री. अब बुलबुल के बारे में देखें, बुलबुल कहाँ पे बनाती है, ब्रांचेज ऑफ ट्री पे बनाती है, ठीक है, बशेज पे बनाती है, हेजेस में बनाती है. तो जो उसका नेस्ट होता है वो कैसा होता है, कप की तरह होता है, जहाँ पे आपको दिखा रखा है ना, तो नेस्ट की जो है कप शेप का है, और उसमें वो क्या एग रखती है ताकि वो क्या प्रोटेक्ट रहे और उनके जो बेबीज हैं वो नीचे फॉल डाउन ना कर सके. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टेलर बर्ड. अब जो टेलर बर्ड है वो क्या करता है, क्योंकि नाम ही टेलर है तो इसका काम भी तो टेलर वाला होगा, ठीक है. ये क्या करता है, अपनी जो लार्ज बीक है, ठीक है, शार्प बीक होती है इसकी, तो उसको क्या है नीडल की तरह यूज़ करता है, ठीक है. वो क्या करता है लार्ज लीव्स को लेता है और अपनी जो शार्प बीक है नीडल की तरह उससे इनको स्यू करता है, ठीक है, उससे स्यू करता है. किसको स्यू करता है, जो लीव्स हैं, ठीक है, उनको लेता है, उनके साथ में कुछ कॉटन वूल ले ली, ठीक है, या वूल ले ली, कॉटन ले ली, या फिर स्पाइडर वेब ले लिया, ठीक है. तो इन सब से वो क्या अपना नेस्ट बनाता है, और ऐसा नेस्ट बनाता है जो क्या होता है वार्म होता है. नेस्ट स्विंग्स जेंटली इन दी ब्रीज. अब ये जो है ब्रीज में हवा में ऐसे लटकता रहता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी वीवर बर्ड. वीवर बर्ड क्या करता है कि अपना जो नेस्ट है वो क्या बनाता है, ग्रास की स्ट्रिप्स, ठीक है, ग्रास किसकी, पाम की हो सकती है या फिर बनाना लीव से बनाएगा, और जो इसका नेस्ट है वो वीव करता रहता है, ऐसे हवा में लटकता रहता है. जो नेस्ट है वो हैंग आउट करता है डाउन फ्रॉम दी ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है, एक ब्रांच है ट्री की, उससे क्या है लटकता रहेगा. बर्ड जो है इसमें से लोअर एंड से, यहाँ पे से एंड पे से लोअर से इसमें एंटर करते हैं, और अपर पार्ट में यह क्या बनाता है, एक रूम बना लेता है जहाँ पे इसके एग्स जो हैं सेफ रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास वुड पैकर. वुड पैकर कट्स अ होल इन द बार्क ऑफ अ ट्री, इट कंटिन्यूज कटिंग टिल इट रीचेज अ होलो इन द ट्री. अब जो वुड पैकर है वो क्या करता है, वो एक जैसे आपके पास ब्रांच ऑफ ट्री है, ठीक है, इसका बार्क होता है ना ऊपर वाला जो ब्राउन हिस्सा होता है ट्री का, उसको बोलते हैं बार्क. तो इसमें क्या करता है वो तब तक होल बनाता रहता है इसमें जब तक क्या है इसमें एक होलो स्पेस नहीं बन जाती, ठीक है. तो जो होलो स्पेस बनती है वो अपने नेस्ट के लिए ये यूज़ करता है, और इसमें क्या है वो कई बार क्या वुड के कुछ चिप्स के टुकड़े हैं, छोटी छोटी वुड है वो भी यूज़ करता है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट पैटरिजिस. पैटरिजिस जो है वो अपना जो ग्राउंड में नेस्ट बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ग्राउंड को स्क्रैप करते हैं विद देयर बीक्स, ठीक है, कुछ रहते हैं उसमें क्या है अपनी बीक से नेस्ट बनाते हैं. वहाँ पे वो क्या यूज़ करते हैं, ग्रास यूज़ करते हैं या फिर लीव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, नेस्ट को बनाने के लिए. दे केयरफुली चूज़ अ स्पॉट सराउंडेड बाय बशेज और टॉल ग्रीन टॉल ग्रास सो दैट द नेस्ट कैन नॉट इजली सी. वो बशेज में बनाएंगे, ठीक है, झाड़ियों में या ग्रास में बनाएंगे ताकि जो उनका
नेस्ट है वो किसी को दिखे नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कुकू के बारे में। कुकू यानी कोयल, कोयल जो है वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती, ठीक है। वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है, इसलिए वो क्या करती है कि जो क्रो है उसके नेस्ट में क्या अपने एग्स देती है। शी ब्रेक्स अ फ्यू ऑफ द क्रोज एग टू मेक प्लेस फॉर हर ओन एग्स। वो क्या करती है कि क्रो की कुछ एग तोड़ देती है ताकि उसके खुद के एग के लिए वहाँ पे जगह बन जाए। लेकिन जो मदर क्रो होती है उसको लगता है कि ये मेरा ही एग है, तो इसलिए वो उसको हैच करती है उस एग को, और अपने बेबी की तरह उसको भी फीड करती रहती है, ठीक है। क्योंकि उसके जो बेबी होते हैं ना कोयल और क्रो के, वो स्टार्टिंग में देखने जैसे एक जैसे लगते हैं। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द पेंगुइन। पेंगुइन क्या करता है, कुछ पैबल्स इकट्ठे करता है, कुछ कंकर या कुछ स्टोन्स, और उनके साथ क्या ग्राउंड पे अपना जो है बना लेता है नेस्ट। नेक्स्ट है केयरिंग फॉर दी यंग बर्ड्स। जब एक बार नेस्ट रेडी हो गया, द मदर बर्ड क्या करती है, ले करती है एग्स, एग्स देती है, एंड एग्स जो हैव टू बी केप्ट वार्म, और उनको क्या रखना पड़ता है, गर्म रखना पड़ता है। तो मदर बर्ड एंड फादर बर्ड क्या है, दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं एग्स के ऊपर, टू कीप दैम वार्म अंटिल द एग्स हैच इन टू द बेबी बर्ड्स। जब तक क्या है वो बेबी बर्ड्स जो हैं उनमें से बाहर नहीं आ जाते। वैन द बेबी बर्ड्स हैच आउट ऑफ द एग, दे आर क्वाइट हेल्पलेस, दे कैन नॉट सी नॉर फ्लाई। जब वो बेबी बर्ड आते हैं तो ठीक है, स्टार्टिंग में वो क्या हेल्पलेस होते हैं, वो खुद देख नहीं सकते और ना ही फ्लाई कर सकते हैं। सो पेरेंट बर्ड क्या करते हैं, ब्रिंग फूड फॉर देयर यंग वंस। तो यंग वंस के लिए जो छोटे बर्ड्स हैं उनके लिए क्या फूड लाते हैं और उनको फीड करते हैं। एज द बेबी बर्ड्स ग्रो देयर विंग्स ऑल्सो डिवेल्प एंड सून दे आर रेडी टू फ्लाई। जैसे ही बेबी बर्ड्स थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो उनके जो विंग्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और वो क्या है, फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जो पेरेंट बर्ड है, दे हेल्प दैम टू प्रैक्टिस फ्लाइंग टिल द बेबी बर्ड्स लर्न इट परफेक्टली। तो जो पेरेंट बर्ड है फिर वो क्या, उनके बच्चे को उड़ना भी सिखाते हैं। तो ये चैप्टर था आपका छोटा सा, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।